तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, इसके अंदर हमें एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव दी हुई है, वो क्या है, y इज इक्वल टू 0.2 sin 4π इन ब्रैकेट टी डिवाइड बाय 0.08 माइनस एक्स अपॉन 0.8। तो हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो और एम्पलीट्यूड निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे इक्वेशन है ये हम फिर से रीराइट करते हैं, y इज इक्वल टू 0.2 sin 4π इन ब्रैकेट टी डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस एक्स अपॉन 0.8। अब मैं क्या करता हूं, ये 4π को 2π के हिसाब से लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 sin 2π इंटू 2t डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 0.8, ये हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ या जनरल इक्वेशन के साथ भी कंपेयर करता हूँ, तो जनरल इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू a साइन 2π इन ब्रैकेट t डिवाइडेड बाय कैपिटल t माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये इक्वेशन है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो भाई मुझे a की वैल्यू कितनी मिलती है, तो a की वैल्यू मिलती है 0.2 मीटर और t कितना मिलता है, t मिलता है 0.04 सेकंड और लैम्डा कितना मिल जाता है, तो लैम्डा मिल जाता है 0.4। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इन सबको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 0.04 और ये कितना आता है 0.4, ठीक है। तो जिसके कारण हमें एम्पलीट्यूड कितना मिला 0.2, टाइम कितना मिला 0.04 सेकंड और लैम्डा कितना मिला, तो लैम्डा मिला 0.4। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड कितना आ गया, तो एम्पलीट्यूड आ गया 0.2। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टाइम होता है, तो टाइम कितना है 0.04, तो ये कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.04, यानी कितना होता है, तो ये होता है 25 हर्ट्ज हो जाता है। उसके बाद वेवलेंथ यानी लैम्डा, तो लैम्डा कितना है 0.4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।